नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, बीजेपी के निलंबित नेता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई और कहा कि उन्हें देश के सामने टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि नूपुर शर्मा ने अपने बयानबाजी से देश भर के लोगों को भड़काया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के उदयपुर में हुए टेलर मर्डर के मामले को भी नूपुर शर्मा के बयान से जोड़कर देखा। कोर्ट ने कहा कि उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए नूपुर का बयान ही जिम्मेदार है। उनके बयान की वजह से ही उदयपुर वाली घटना हुई और आज देश का जो माहौल हुआ है उसके जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ नूपुर शर्मा है और कोई नहीं। अपने बयानों में जो भी कहा वो बहुत ही शर्मनाक है, उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भी गर्मा गर्मी तेज हो गई है। नूपुर शर्मा के बयान को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं, सिर्फ मुख से नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नूपुर शर्मा के विरुद्ध आज के लिए गए सख्त स्टैंड तथा अपने भड़काऊ बयान से देश को हिंसक माहौल में झोंकने हेतु उनसे माफी मांगने का निर्देश उन सभी के लिए जरूरी सबक है जो देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक कर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। साथ ही नफरती भाषण के लिए नूपुर शर्मा के विरुद्ध FIR होने के बावजूद पुलिस द्वारा उनके प्रति निष्क्रिय रवैया का भी माननीय कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने से संभव है कि आगे इस प्रकार की प्रवृत्ति पर थोड़ा रोक लगे। नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी जिसकी सुनवाई 1 जुलाई को होनी थी। नूपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से नूपुर शर्मा का क्या मतलब है, उनके इन बयानों की वजह से देश में कितना खराब माहौल हो गया है और इन सब के लिए उन्हें देश के सामने आकर माफी मांगनी होगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए ये भी कहा कि नूपुर शर्मा पर देश भर में FIR हुई है। नूपुर ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा था कि सभी केस दिल्ली शिफ्ट कर दिए जाएं क्योंकि उनकी जान को खतरा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नहीं छोड़ा, कहा कि इतनी सारी शिकायतों के बाद भी किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। लेकिन नूपुर शर्मा के खिलाफ इतनी सारी शिकायतों के बाद भी दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ इतनी सारी शिकायतें के बाद भी दिल्ली पुलिस ने आखिर किया क्या। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पॉलिटिकल और सच्ची खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।